हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ विक्रमजीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एटमॉस्फेट हेड की इंस्टॉलेशन। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो वो यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा तो उस पर क्लिक करके एटमॉस्फेट हेड अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस दो चार तारों का खेल है, दो चार तारे हमें लगानी है। तो सबसे पहले मैं एटमॉस्फेयर लाइट की इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन सी वायर कहाँ कहाँ पर लगाई है, कौन कौन सी एलईडी स्ट्रिप कहाँ कहाँ पर मैंने पेस्ट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आपको लेकर चलते हैं सीधा कार के अंदर। सो गाइस, मैं अभी आ गया हूँ कार के अंदर और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एटमॉस्फेयर लाइट को इंस्टॉल करने का पूरा क्या प्रोसेस है। पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूं, इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि मैंने एटमॉस्फेयर लाइट कैसे इंस्टॉल की है, कहां इंस्टॉल की है। सो गाइस, फाइनली एटमॉस्फेयर लाइट की इंस्टॉलेशन पूरी हो गई है। एक स्ट्रिप मैंने यहाँ पर लगाई है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास फोर स्ट्रिप थी, दो छोटी और दो बड़ी। दो छोटे वाली थी वो मैंने आगे लगाई है, एक ये डैशबोर्ड के नीचे है, एक उस साइड में डैशबोर्ड के नीचे है। जो एटमॉस्फेयर लाइट का जो RF कंट्रोलर था वो मैंने यहाँ पर इस बॉक्स के नीचे लगा दिया है ताकि किसी को शो ना हो, किसी को दिखाई ना दे। वायरिंग थी जो बाकी जो दो बड़े वाली स्ट्रिप थी, वायरिंग इसके नीचे से होके एक इस सीट के नीचे लगा दी है और एक इस सीट के नीचे मैंने एटमॉस्फेयर लाइट की इंस्टॉलेशन कर दी है, राइट। और ये है इसका पावर सोर्स, पावर सोर्स में इसको मैंने यहाँ से पावर दे दी है, राइट। तो गाइस, यही इसकी इंस्टॉलेशन थी। इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो मैं आपको दिखा सकूँ। सिंपल सी इंस्टॉलेशन है जो कि मैंने की है, राइट। सो गाइस, एटमॉस्फेयर लाइट की इंस्टॉलेशन पूरी हो गई है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, काफ़ी इजी स्टेप्स थे जो मैंने कर दिए हैं, इंस्टॉल हो गई है। इसका जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो नाइट में पता लगेगा कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है, कैसी इसकी आउटपुट है, कैसी इसकी लाइट की रोशनी है, क्योंकि अभी दिन का टाइम है, दिन में रोशनी का इतना पता नहीं लगता। तो बाकी की शूटिंग मैं रात को करूँगा, रात को आपको दिखाऊँगा कि इसका रिस्पॉन्स कैसा होने वाला है। सो गाइस, जो हमने एटमॉस्फेयर लाइट इंस्टॉल की है अभी मैं उसका आपको मैं आउटपुट दिखाने वाला हूँ कैसा रिस्पॉन्स है। सो एक ये लाइट मैंने यहाँ लगाई थी, एक इस साइड में डैशबोर्ड के नीचे यहाँ लगी हुई है लाइट, और ये इसका पावर सॉकेट है। और दो जो स्ट्रिप्स हैं वो मैंने नीचे सीट के लगा रखी हैं। तो कुछ इस तरह का इसका रिस्पॉन्स है। आपको मैं एक बार लाइट चेंज करके दिखाता हूँ। ये यहाँ देख सकते हैं, ये येलो, ब्लू, ग्रीन, तो इस तरह से कुछ इसका रिस्पॉन्स है। एक बार मैं एक साउंड में भी आपको दिखाता हूँ कोई गाना प्ले करके। सो गाइज, ये थी एटमॉस्फेयर लाइट इंस्टॉलेशन की वीडियो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।